Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. Aaj hamare course ka 20th lecture jo hai, we are going to start our 20th lecture. Last two lectures mein humne transportation problems jo hai wo discuss kiye hain, and we have learned the techniques how to get the optimal solution for a particular transport or any transport problem. Aur humne ye bhi dekha tha ki many problems can be transformed into ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, जिनको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है. और सिंप्लेक्स मेथड ही इनफैक्ट हमने अप्लाई किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट विदाउट कैलकुलेटिंग द सिंप्लेक्स टेबलू, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज थी कि ज़्यादातर बल्कि ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर इन इक्वेशंस. अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है बैलेंस्ड नहीं है, वी मेक our problem balanced by creating a dummy source or by creating a dummy destination. ठीक है, उसके बाद फिर हमने सीखा था कि सिंप्लेक्स मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टेबलू, जिसके ऊपर हम सारी कैलकुलेशंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक खास वे से जो है वो लिखते थे. और मोस्ट ऑफ द बुक्स यूज द सेम नोशन. सिर्फ ये चेंज हो सकता है कि कोई अगर ताहा की बुक जो है वो राइट साइड पे कॉस्ट सीआईजे लिखती है, तो हिलियर एंड लिबरमैन की जो बुक है वो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर के स्मॉल स्क्वायर के लेफ्ट साइड अपर लेफ्ट पे जो है वो कॉस्ट सीआईजे लिखती है. तो देयर इज अ लिटिल बिट वेरिएशन, बट यू आर मैच्योर एनफ टू फॉलो दीज वेरिएशंस इन बोथ द बुक्स ऑफ ताहा एंड हिलियर लिबरमैन की जो बुक है, उन दोनों में आप इजीली जो है फॉलो कर सकते हैं. लेकिन बेसिक मेन आइडिया जो था कि हाउ टू सेलेक्ट अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हमने तीन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लीस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड मोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. और उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि किस तरह जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करना है बाय सेलेक्टिंग द एंटरिंग वेरिएबल एंड लिविंग वेरिएबल. और वही ऑप्टिमैलिटी कंडीशन और फिजिबिलिटी कंडीशन जो सिंप्लेक्स मेथड में हमने स्टडी की थी, उन्हीं को ही हमने अप्लाई किया था, लेकिन एक खास वे में, एक खास टेबलू पे. ठीक है जी. अब क्या है कि आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है व्हाट वी कॉल द असाइनमेंट प्रॉब्लम. अब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, नाम से जाहिर है कि देर आर डिफरेंट जॉब्स टू डू एंड देर आर डिफरेंट पीपल अवेलेबल. तो बेस्ट पर्सन को ऑप्टिमल कंडीशन, बेस्ट जॉब के लिए असाइन करना, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द असाइनमेंट प्रॉब्लम. और जरूरी नहीं है कि ये जॉब्स और ह्यूमन बींग्स ही हों. अब ये मशीन के लिए भी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है कि कौन सा काम कौन सी मशीन से करवाया जाए. ठीक है, अगर कंप्यूटेशन हैं, कोई एल्गोरिदम आपने डिवेल्प किया, यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, तो वो आप कंप्यूटर को देंगे. आप टेक्सटाइल मिल में जो मशीन लगी हुई है उसको नहीं दे सकते. ठीक है, तो मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स कैन डू डिफरेंट वर्क्स. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द असाइनमेंट प्रॉब्लम, नॉट ओनली वर्केबल फॉर द ह्यूमन बींग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके ह्यूमन बींग्स की लोकेशन है और असाइनमेंट्स डिफरेंट जॉब्स हैं उनको असाइन करनी है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को, उस पर भी अप्लाई होता है और मशीन्स पे भी होता है पैरेलल. ठीक है, बिकॉज not the same problem can be solved optimally in optimal condition by different machines. Different machines hain, jaise juicer hai usko juice banane ke liye karte hain, chopper hai usko chop karne ke liye, meat ko chop karne ke liye hum karte hain. To har machine ka different different kaam hai, to ye bhi machines ke liye bhi ho sakte hain. Theek hai, assignment problem jo hai hum discuss kar sakte hain. So let's start our lecture formally and see what is the definition of assignment model generally and how we are going to solve the assignment model, which is a particular type of transportation problem. Kis tarah particular type of transportation problem hai ki we can consider ki aapke sources jo hai wo bhi 111 hai, correspond to your human beings or machines जिनका के लिए आपने डिसाइड करना है कि इनको कौन कौन सी जॉब जो है दी जाए. और आपकी डेस्टिनेशन जो है वो जॉब्स के कॉरस्पॉन्ड है, वो भी 111 है, एक ही जॉब है. एक जॉब है कि फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड में है, तो एक जॉब है कि
झाड़पूंछ किसने करनी है, एक जॉब है कि आपने फ्लोर किसने साफ करना है, एक जॉब है कि ग्रास किसने कट करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरह की एग्जांपल मैंने आज लेक्चर में भी जो है वो सेलेक्ट की हुई है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज़ द 20th लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सबसे पहली स्लाइड में मैंने असाइनमेंट मॉडल जो है इसको डिस्क्राइब किया है। द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द असाइनमेंट मॉडल। द सिचुएशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ स्किल टू जॉब्स। ठीक है, अ जॉब दैट हैपन टू अ मैच अ वर्कर स्किल कॉस्ट लेस देन वन इन विच द ऑपरेटर इज नॉट एज स्किलफुल। अगर ऑपरेटर स्किलफुल नहीं है तो लेस देन वन उसकी कॉस्ट होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल इज टू डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू द जॉब। अब ये वर्कर्स जो है ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ही हो, ये मैंने बार बार कह रहा हूँ। जनरल असाइनमेंट मॉडल जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। द जनरल असाइनमेंट मॉडल विद एन वर्कर्स एंड एन जॉब्स इज गिवन इन दिस टेबल। अब इस टेबल में ये देखें, दीज आर योर डेस्टिनेशंस, वन जॉब, टू जॉब, अप टू एन जॉब, एंड यू हैव एन वर्कर्स। सो इट इज अ बैलेंस्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब वन वर्कर को अगर जॉब वन असाइन की जाए तो उसकी कॉस्ट C11 है, और अवेलेबिलिटी भी एक वर्कर है तो वन, डिमांड भी एक की ही है, कॉस्ट। अब वर्कर नंबर वन को अगर जॉब टू असाइन की जाए तो कॉस्ट C12 है। ऑल दीज CIJs आर रियल नंबर्स, these are the real numbers. ठीक है, the assignment model is actually a special case of transportation model in which the workers represent the sources and the jobs represent the destinations. The supply demand amount at each source destination exactly equals one. डिमांड और सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली वन है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वर्कर आई टू जॉब जे इज CIJ विच इज अ रियल नंबर। इन इफेक्ट द असाइनमेंट मॉडल कैन बी सॉल्व डायरेक्टली एज अ रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। असाइनमेंट मॉडल को रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की टेक्निक जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में पढ़ी है उससे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन असाइनमेंट मॉडल जो है वो उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ये भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की खास प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को हमने यूज करते हुए, हमने सिंप्लेक्स टेबलू नहीं बनाया उसके लिए, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक खास मेथड अप्लाई किया। इसीलिए इसी तरह एग्जैक्टली इन द सेम वे असाइनमेंट मॉडल जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और इसको भी हम ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन वाले टेक्निक से नहीं सॉल्व करेंगे। इसकी जो खास प्रॉपर्टीज हैं कि सप्लाई और डिमांड वन वन है, और CIJ जो है ये हमें कॉस्ट दी गई है फॉर असाइनिंग जॉब वर्कर आई टू जॉब जे, तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे इस इंफॉर्मेशन का को। नेवरदलेस द फैक्ट दैट ऑल द सप्लाई एंड डिमांड अमाउंट्स इक्वल्स वन has led the development of a simple solution algorithm called the Hungarian method. Hungarian algorithm or Hungarian method jo hai isko hum study karenge, which is a solution of or algorithm of finding the solution of assignment problem. Theek hai, isko hum study karenge aaj ke lecture mein. Ab ye Hungarian method hai kya, isko main ek example se jo hai illustrate karunga. Theek hai, एग्जाम्पल क्या मैंने पिक की हुई है, जो क्लीन्स थ्री चिल्ड्रन, जॉन, कैरन एंड टेरी। एक बंदा, उसके तीन बच्चे हैं, जॉन, कैरन और टेरी।
want to earn some money to take care of personal expenses. अब पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अर्न करें, तो उनका फादर जो है वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर देता है उनकी कि भाई आप घर का ये काम करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रास कट करते हैं तो मैं आपको इतने जो है पे करूँगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है डिस्क्राइब इस तरह की कर रही है। तो वो किस लिए मनी अर्न करना चाहते हैं कि अपने एक्सपेंसेस जो है ड्यूरिंग अ स्कूल ट्रिप टू द लोकल जू वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो पूरे कर सकें। मिस्टर क्लाइन हैज़ चूजन थ्री शॉर्स। अब ये शॉर्स जो हैं ये ऐसे काम को कहते हैं जो कि हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड काम को शॉर्स कहते हैं, ठीक है, फॉर हिज चिल्ड्रन। अब वट आर दीज शॉर्स, हाउस होल्ड वर्क वो क्या है? मूविंग द लॉन, लॉन की जो ग्रास है उसको कट करना, पेंटिंग द गैराज डोर, गैराज डोर जो है उसको पेंट करना, एंड वॉशिंग द फैमिली कार्स, फैमिली कार्स जो है कार्स उनके पास जो है उसको वॉश करना है, ठीक है। टू अवॉइड एंटीसिपेटेड सिबलिंग कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए जैसे बिग कंपनीज करती हैं, ही आस्क्स देम टू सबमिट सीक्रेट बिड्स। बिड्स जो है उसने कहा है कि आप अपने अपने क्या आप समझते हैं कि मॉविंग के लिए क्या आपकी आप क्या पर आर या पर डे क्या चार्ज करेंगे, तो वो सीक्रेट बिड्स जो है वो डिमांड करता है अपने बच्चों से। फॉर व्हाट दे फील इज फेयर पे फॉर ईच ऑफ दीज थ्री शॉर्ट्स। द अंडरस्टैंडिंग इज दैट ऑल थ्री चिल्ड्रन विल अबाइड बाय देयर फादर्स डिसीजन। और कंपनीज के लिए भी यही होता है, आप देखते हैं कि अखबारात में के बिड की जो है वो एड्स आए होते हैं, देर आर डिफरेंट कंपनीज जो बिड अपनी बिड जो है वो अपने correspond to a particular work जो है अपना बता देते हैं कि we will do this particular job in this cost। तो जो decision देने वाला होता है वो फिर सारी bids open करता है और जिसकी minimum bid होती है और requirement जो पूरी कर रहा होता है कि job की उसको जो है tender जो है offer किया जाता है। Exactly उसी तरह का criteria जो है इन्होंने बनाया। The table summarizes the bids received। इसका मतलब ये है कि जॉन ने कहा है कि अगर मैं मॉविंग द लॉन करूंगा तो $15 लूंगा, ठीक है। जॉन ने ये कहा है कि अगर मैं पेंट करूंगा तो $10 लूंगा। जॉन ने ये कहा है अगर मैं कार वॉश करूंगा तो $9 लूंगा, ठीक है। कैरन ने कहा है कि अगर मैं मॉविंग ऑफ लॉन करूंगी तो मैं $9 लूंगी, अगर मैं पेंट करूंगी तो $15, अगर वॉश कार वॉश करूंगी तो $10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टाई ने क्या कहा है कि $10 फॉर मॉविंग, $12 फॉर पेंट एंड $8 फॉर कार वॉश, ठीक है। तो ये टेबल असाइनमेंट टेबल जो है ये में गिवन है और ये किस बेस पे इंफॉर्मेशन कर रहा है कि वो सीक्रेट बिड्स जो थी उस पर ये बेस कर रहा है। Based on this information, how should Mr. Klein assign the chores? ये जो काम्स हैं, ये जो different households हैं, इसको किस तरह जो है Mr. Klein जो है वो apply करें? For the original cost matrix, identify each row's minimum and अब ये Hungarian method जो है, इसके steps हैं। These are three steps for Hungarian method, which will assign the optimal job to each person, ठीक है, by keeping this table in consideration. For the original cost matrix, identify each row's minimum. हर row का minimum जो होगा वो हम identify करेंगे. For example, first row का minimum क्या हमें नजर आ रहा है इस table में? 9. Second row का minimum क्या नजर आ रहा है? 9. Third row का minimum क्या नजर आ रहा है? 8. अब ये जो मिनिमम आया होगा हर रो का, हर रो से हम ये मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब है मुझे 15 माइनस 9 करना पड़ेगा, 10 माइनस 9 करना पड़ेगा, 9 माइनस 9 जो कि 0 होता है, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, 15 माइनस 9 आ जाएगा जो भी वैल्यू होती है 6 आ जाएगा, 10 माइनस 9 सेकेंड रो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर मैं मिनिमम
कॉलम का, आफ्टर डूइंग दिस मैं कॉलम का मिनिमम जो है वो लिया करूंगा, और उसके बाद मैं असाइनमेंट देखा करूंगा, अपने टेबल को जो है ऑब्जर्व किया करूंगा, और उसके बाद असाइन किया करूंगा वैल्यूज. फॉर द मैट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेप वन, आइडेंटिफाई ईच कॉलम्स मिनिमम, कॉलम का मिनिमम जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एंट्रीज, और तमाम एंट्रीज से जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. Identify the optimal solution as the feasible assignment associated with the zero element of the mixed obtained matrix obtained in step 2. Step 2 में जो matrix हमारे पास आ जाएगा, जो table आ जाएगा, उससे हम assignment कर सकेंगे. किस तरह assignment करेंगे? जिस worker के correspond zero आया होगा, जिस job के correspond, वो job जो है उस corresponding worker को हम असाइन कर देंगे. ठीक है, लेट्स डू दिस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. अब वही टेबल को मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है वो रो मिनिमम जो है वो इस टेबल में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हर रो का मिनिमम जो है वो क्या है. ऑब्वियसली यहाँ पे 15 है, 10 है, 9 है, तो रो का मिनिमम जो है वो 9 बन रहा है. अब इस 9 को मैं सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 माइनस 9 यहाँ पे मैं 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम में, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 8 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा. जब ये मैं कर लूंगा, देन आई विल आइडेंटिफाई द मिनिमम कॉलम मिनिमम रो मिनिमम पहले, फिर जो आता है आपके पास मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स आता है जिसकी एंट्रीज मैंने लिखनी है यहाँ पे राइट, इसका कॉलम मिनिमम, फर्स्ट कॉलम का मिनिमम जो है वो 2 आता है, सॉरी 0 आता है, मिनिमम 0 है. सेकंड कॉलम का 1 आता है, थर्ड कॉलम का भी 0 आता है. अब ये जो मिनिमम है ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कॉलम से, तो मेरा ये कॉलम तो एज इट इज रहेगा, ये कॉलम जो है ये चेंज हो जाएगा 0, 5, 3 ये बन जाएगा. यही मैंने नेक्स्ट टेबल में किया हुआ है, रो मिनिमम करके 6, 0, 2, 1, 6, 4 जो कि मैंने इसी टेबल पे लिखती हुई है, 0, 1, 0. अब कॉलम मिनिमम जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ, जो कि Q1 फर्स्ट कॉलम का मिनिमम है 0, Q2 सेकंड कॉलम का मिनिमम है जो कि 1 है, Q3 थर्ड कॉलम का मिनिमम है जो कि 0 है. इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और जो अल्टीमेट मेरा रिजल्ट, जो मैट्रिक्स मेरे पास आया है आफ्टर स्टेप 2, वो ये है. अब इस मैट्रिक्स में जहां जहां पे 0 है, जॉन विल डू द पेंट ऑफ द गैरेज डोर, जॉन जो है वो ये करेगा. कैरन विल मॉव द लॉन, टेरी विल वॉश द कार. ठीक है, अब यहां पे आप कह सकते हैं एक बात नोटिस करने वाली है कि ये जॉन के कोरस्पॉन्ड तो 0 इधर भी आ रहा है वॉश पे, तो जॉन ये क्यों नहीं करेगा. सपोज कि अगर जॉन इस पे आ जाता है, कार वॉश करता है, जॉन जो है कार वॉश वाली जॉब करता है, कैरन के लिए एक ही 0 है, तो वो कैरन जो है वो मॉविंग द लॉन करती है, तो टैरी के लिए जॉब कौन सी बचेगी. टैरी का तो एक ही 0 था रो में जो कि कार वॉश के कॉरस्पॉन्ड था, इसलिए टैरी के लिए कोई टैरी नो जॉब. इसका मतलब है कि हमारा फिजिबल सोल्यूशन नहीं है. इट मींस कि अगर मैं जॉन को, इफ जॉन डू द जॉब ऑफ कार वॉश, देन माय सोल्यूशन इज नॉट फिजिबल. फिजिबल है ही नहीं, क्योंकि हर किसी को जॉब देनी है. इस तरह नहीं हो सकता कि एक को दो जॉब्स दे दें, इस तरह नहीं हो सकता. हर किसी को यूनिक जॉब देनी है. दैट्स व्हाई कि मैं ये कंसिडरेशन जो है अपने मैट्रिक्स की या टेबलों की वो जेन में रखूंगा असाइन करते हुए,
कि भाई अगर मैं जॉन की रो के कोरस्पोंड दो जीरोज आ रहे हैं, ही इज अप्रोप्रिएट फॉर टू जॉब्स, तो क्या नेक्स्ट जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एसोसिएशन रहती है? क्योंकि मेरे पास चॉइस है, जॉन दो दोनों कामों में से कोई भी काम कर सकता है, तो मैं जॉन को एक काम असाइन कर दूंगा सच दैट द अदर वर्क इज अवेलेबल फॉर द अदर वर्कर विच हैज ओनली वन जीरो इन हिज रो. जैसे टैडी जो है यहाँ पे सिर्फ एक जीरो था उसका रो में. समझ आ गया आपको? तो मैं नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन करता हूँ. द सेल्स विद अंडर स्कोर जीरो एंट्रीज प्रोवाइड द ऑप्टिमम सोल्यूशन. यही मैंने ऑप्टिमम सोल्यूशन किया हुआ है ना, कि जॉन विल डू द पेंट. ये क्यों नहीं वो कार वॉश कर सकता है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया. दिस मीन्स दैट जॉन गेट्स टू पेंट द गैरेज डोर, कैरन गेट्स टू मॉव द लॉन, एंड टेरी गेट्स टू वॉश द फैमिली कार्स. द टोटल कॉस्ट ऑफ मिस्टर क्लाइन इज 9, क्योंकि टोटल कॉस्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स से हमने निकालनी है. अब जॉन अगर कार वॉश करता है तो कितने $9 देने पड़ते हैं? $9, या इस ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैं ले रहा हूँ. कैरन अगर मॉव करती है तो उसको $9 देने पड़ते हैं, कैरन को भी $9 देने पड़ते हैं, और टैरी को कितने डॉलर देने पड़ते हैं? $8 देते हैं. सो दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, द सम ऑफ ऑल थ्री विच इज $27. ठीक है. अब ये जो है टैरी गेट्स द टू वॉश द फैमिली, द टोटल कॉस्ट फॉर मिस्टर क्लाइन इज 9 + 10 + 8, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज P1 + P2 + P3. सॉरी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से नहीं आ रही, ये आपका मिनिमम जो सॉरी मिनिमम जो है वैल्यूज उनकी आ रही हैं, रो से जो हमने किया हुआ है और कॉलम से जो आइडेंटिफाई किया हुआ है उनके कॉरस्पॉन्ड है. P1 + P2 + P3 + Q1 + Q2 + Q3, विच इज, और यहाँ पे +1 का जो डिफरेंस आया था वो इसी वजह से आया था कि +0 + 1 + 0 मिनिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम्स वो हमने ऐड किया नहीं था. सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट फॉर द पर्टिकुलर असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है. द गिवन स्टेप्स ऑफ हंगेरियन मैथड वर्क वेल इन द प्रसिडिंग एग्जाम्पल बिकॉज द जीरो एंट्रीज इन द फाइनल मैट्रिक्स हैपन टू प्रोड्यूस अ फिजिबल असाइनमेंट. अब पिछली एग्जाम्पल के लिए तो बड़ा अच्छा वर्क किया है हंगेरियन मैथड में, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? कि इस तरह की सिचुएशन भी अराइज हो सकती है. इन सम केसेस द जीरोज क्रिएटेड बाय स्टेप वन एंड स्टेप टू मे नॉट यील्ड अ फिजिबल सोल्यूशन. फिजिबल सोल्यूशन डायरेक्टली यील्ड ही ना करें, एंड फर्दर स्टेप्स आर नीडेड टू फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल असाइनमेंट. एक्स्ट्रा स्टेप वो क्या है? एक्स्ट्रा स्टेप फॉर गेटिंग अ फिजिबल सोल्यूशन फॉर एन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. इफ नो फिजिबल असाइनमेंट विद ऑल जीरो एंट्रीज कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम स्टेप वन एंड स्टेप टू ऑफ हंगेरियन मैथड, देन ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइन्स इन द लास्ट रिड्यूस्ड मेट्रिक्स दैट विल कवर ऑल जीरो एंट्रीज. ठीक है. अभी इस ये स्टेप्स में डिस्क्राइब कर दूं, पर्टिकुलर एग्जांपल हम देखते हैं. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एंट्री सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेरी एवरी अनकवर्ड एंट्री. अब जो जीरो जीरोस वाली एंट्री होंगी ना, मिनिमम हमने कॉलम्स और रोज निकाल के उनको क्रॉस आउट कर देना. बाकी जो क्रॉस आउट नहीं हुई होंगी उनमें से हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. मिनिमम वैल्यू जो आइडेंटिफाई होगी बाकी तमाम क्रॉस आउट वैल्यू से जो कि रोज और कॉलम्स में नहीं आ रही होंगी उनसे सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, और जहाँ पे जीरो आएगा वहाँ पे हमने असाइन कर दिया. सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एंट्री सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी अनकवर्ड एंट्री देन एड इट टू एवरी एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. लाइन्स की इंटरसेक्शन पे एड कर देंगे और बाकी तमाम एंट्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे.
If no feasible assignment can be found among the resulting zeros entries, repeat the step 2a. 2a step jo hai isko repeat kare and go to the step 3, determine the optimal assignment solution. Jaise for example, yahan pe agar ek fourth child bhi add kar diya jaye pichli wali example mein aur ek fourth jo hai household work bhi ऐड कर दिया जाए और उसके कोरस्पोंड वैल्यूज भी ऐड कर दी जाए तो हमारे पास ये टेबल बनता है. इसका हर एक का रो मिनिमम जो है पी वन जो है वो वन आ रहा है, इस रो में पी टू जो है सेवन है, इस रो में पी थ्री जो है वो क्या है आपका फोर है, और इस रो में पी फोर जो है वो क्या है आपका फाइव है. तो सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जीरो थ्री फाइव टू सेवन है, यहाँ पे टू आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, थ्री टू फोर है ये जीरो वन फोर है, यहाँ पे सेवन आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा. फिर आपका यहाँ पे एट है, एट पे जो है फाइव मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा. कॉलम मिनिमम जो है वो क्या है, क्यू वन आपका पहले कॉलम में जीरो है, क्यू टू जो है वो भी जीरो है, क्यू थ्री जो है ये आपका थ्री है. जब थ्री आप करेंगे तो ये न्यू कॉलम आपका टू जीरो फोर जीरो ये बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे भी क्यू फोर जो है वो भी जीरो है. तो आपका न्यू मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज ये हैं. ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट जॉब जो है ये हम फर्स्ट पर्सन को असाइन कर सकते हैं और कोई पर्सन नहीं है क्योंकि जीरो वैल्यू है ही नहीं. सेकंड जॉब जो है वो इधर जीरो है और इधर जीरो है. अगर मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ तो सेकंड पे तो मुझे थर्ड जॉब के लिए कोई भी नहीं मिलता. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जीरो साइन सेकेंड, अगर मैं ये पिक करता हूँ तो थर्ड जॉब के लिए मुझे कोई जीरो नहीं मिलता, कोई असाइनमेंट नहीं मिलती. अगर मैं ये करता हूँ, ये असाइनमेंट करता हूँ सेकेंड पर्सन को, थर्ड जॉब करता हूँ तो फिर फोर्थ जॉब के लिए मेरे पास थर्ड जॉब के लिए भी कोई नहीं है और फोर्थ जॉब थर्ड के लिए फिर भी कोई नहीं है. सच अ सिचुएशन जो कि मैंने पहले आपको बताई है, द सोल्यूशन इज नॉट फिजिबल. तो हम ये वाले स्टेप करेंगे. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड के किस तरह हमने स्टेप्स करने हैं. नेक्स्ट स्लाइड की ये दो टेबल्स जो हैं ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कॉलम और रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम करके आपके पास ये सिचुएशन आती है. ये सिचुएशन आपकी क्यों फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर ये इसके लिए तो सिर्फ एक ही चांस है कि एक ही आप करें फर्स्ट जॉब टू फर्स्ट पर्सन, इसके लिए दो चांसेस है. अगर दोनों चांसेस हम करें तब भी हमारे पास सोल्यूशन फिजिबल रिमेन फिजिबल ही नहीं रहता. अगर ये हम करें तब थर्ड पर्सन को कोई जॉब नहीं हम दे सकते, क्योंकि फर्स्ट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रही है कि फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट जॉब करेगा. वही ऑप्शन एग्जैक्टली ऑप्शन जो है वो थर्ड के लिए आ रही है, थर्ड पर्सन भी सिर्फ एक जॉब करेगा. तो यहां मैं फर्स्ट को साइन कर सकता हूं या थर्ड को साइन कर सकता हूं एक जॉब, तो फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही. जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दो जीरोस जा रहे हैं इस कॉलम को आइडेंटिफाई करने से, उसके बाद ये रो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं ये और ये लो करूं तो दो जीरोस इस तरह जा रहे हैं, ये मैंने क्रॉस आउट कर लिया. ये स्टेप टू ए था कि क्रॉस आउट करें. अब जीरोस कोई जीरोस नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज फ्रॉम नॉन क्रॉस्ड एंट्रीज जो है वो वन है. मिनिमम वैल्यू इज वन, वन को सब्ट्रैक्ट कर दें बाकी सब में, थ्री यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा. अब नया टेबल जो है वो मेरा
फिर मैं चेक करूंगा कि फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। वो नया टेबल मेरा ये बन चुका है, 0 2 1 1 0 2 1 1 2 0 0 2 एज इट इज, क्रॉस आउट रो है, देन 0 0 3 2 3 2 0 0, ये टेबल जो है ये यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब मैं असाइनमेंट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट जॉब विल डू द फर्स्ट जॉब, द सेकेंड पर्सन विल डू द सेकेंड। अगर मैं सेकेंड ले लेता हूँ तो मेरे पास थर्ड के लिए असाइनमेंट कोई बचेगी नहीं, तो ये मैं जॉब असाइन नहीं कर सकता सेकेंड पर्सन को। आई हैव टू असाइन द थर्ड जॉब टू द सेकेंड पर्सन। ये पता चल गया ना क्यों मैं असाइनमेंट ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट कर दूंगा तो थर्ड पर्सन के लिए कोई जॉब असाइनमेंट के लिए लेगी नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट जॉब कर सकता है या सेकेंड जॉब कर सकता है। फर्स्ट जॉब तो फर्स्ट पर्सन ने ऑक्यूपाई कर ली, तो सेकेंड जॉब जो है वो थर्ड पर्सन के लिए मैं रहने लूंगा, इसलिए मैं सेकेंड जॉब सेकेंड पर्सन को असाइन नहीं कर सकता। तो मेरा थर्ड पर्सन, माय थर्ड पर्सन विल डू द सेकेंड जॉब एंड माय फोर्थ पर्सन विल डू द फोर्थ जॉब। द ऑप्टिमम सोल्यूशन शोड बाय द अंडरस्कोर जीरो कॉल फॉर असाइनिंग चाइल्ड वन टू शॉर्ट वन, चाइल्ड टू टू शॉर्ट थ्री, चाइल्ड थ्री टू शॉर्ट टू एंड चाइल्ड फोर टू शॉर्ट फोर। ये वर्ड जो है फ्रेंच एक्सेंट पे मैं बोल रहा हूँ। द एसोसिएटेड ऑप्टिमल कॉस्ट इज 1 + 10 + 5 + 5, द सेम कॉस्ट इज डिटरमिंड बाय पी आईज एंड क्यू आईज। मिनिमम यहाँ पे क्या था, लेट मी चेक दिस वन, पी वन क्या था आपका मिनिमम 1, पी टू आपका मिनिमम क्या था 7, पी थ्री आपका मिनिमम क्या था 4, पी फोर आपका मिनिमम क्या था 7। इन सब को ऐड करें, 7 + 1 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 7 = 19, ये 19 बन रहा है। फिर कॉलम मिनिमम क्या आपके आए थे वो ऐड करें, 1 7 4 5, यहाँ पे 5 है तो ये आपका 17 बनेगा, प्लस कॉलम्स में मिनिमम 0 0 + 3 मिनिमम आया था, और एक लास्ट में 1 हमने जो क्रॉसिंग करके जो है वो आया था मिनिमम 1, उसको सब्ट्रैक्ट किया था। इन सब को ऐड करें सो टोटल कॉस्ट इज 21 फॉर असाइनिंग दीज 4 जॉब्स टू दीज 4 पीपल्स, एंड दिस इज द टेबल विच Give us the information about the cost of hiring each person for each particular job. Assignment problem बड़े simple है. Solve the assignment following assignment problems by Hungarian method. For example, अगर मैं ये वाला जो है ये solve करने की कोशिश करता हूँ, P1 minimum क्या है, P1 equals 392372, P2 मिनिमम रो 2 में मिनिमम क्या है 61561 डॉलर, P3 में मिनिमम क्या है 947103 इज द मिनिमम, P4 में मिनिमम क्या है 1, P4 में मिनिमम 1 है, और आपका P5 में मिनिमम जो है वो 2 है। सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, इनफैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें आप 1 को, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 और 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ पे 6 1 4 7 0 1, दैट विल बी 1,
4 1 4 3 1 0. Then we will have 7 4 0 2 3. अब कॉलम मिनिमम हमने असाइन करना है. Q1 जो है वो 1 आएगा, मिनिमम आ रहा है. Q2 जो है वो 0 आ रहा है. Q3 0 आ रहा है. Q4 1 आ रहा है. Q5 जो है 0 आ रहा है. और न्यू टेबल हमारा क्या बन जाएगा, ये साथ ही मैं लिख रहा हूँ, 1 0 4 5 0 6, एंड हेयर दैट विल रिमेन एज इट इज, दैट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि मिनिमम 1 है, 0 है इन दोनों कॉलम्स का. इस कॉलम का जो है ये Q4 इक्वल्स 1 है, तो दैट विल बी मॉडिफाइड 4 6 0 1, और इसका भी 0. अब मैं असाइन करने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट वर्कर कैन डू द फर्स्ट जॉब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. सो माई फर्स्ट वर्कर कैन डू द फर्स्ट जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब. लेकिन मैं इसको भी असाइन नहीं करता क्योंकि मैं आगे में भी एक ही जीरो हो. जैसे यहाँ पे माई सेकेंड वर्कर कैन डू ओनली वन जॉब विच इज द सेकेंड. सो आई विल असाइन द सेकेंड जॉब, सेकेंड वर्कर विल डू द सेकेंड जॉब. नेक्स्ट माई थर्ड वर्कर विल डू द कैन ओनली डू द फिफ्थ जॉब. थर्ड वर्कर विल डू द फिफ्थ जॉब. फोर्थ वर्कर कैन डू द फर्स्ट जॉब, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन. फिफ्थ वन असाइन हो चुकी है, फोर्थ वन जो है वो मैं असाइन कर दूंगा. फोर्थ वर्कर विल डू द फोर्थ जॉब एंड माई फिफ्थ वर्कर विल डू द, ही कैन डू ओनली वन जॉब विच इज द थर्ड जॉब. माई फिफ्थ वर्कर विल डू द थर्ड जॉब. अब मैं जो है असाइन करूंगा फर्स्ट वर्कर की, क्योंकि फर्स्ट वर्कर कैन डू द फर्स्ट जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब. अगर मैं पहले ही फर्स्ट वर्कर को थर्ड या फोर्थ में से कोई असाइन कर देता तो मेरी ये असाइनमेंट नहीं हो सकती थी. तो आई विल असाइन द फर्स्ट वर्कर द जॉब विच इज द फर्स्ट जॉब. सो दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जॉब्स. ठीक है, अब इसी तरह आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको, वंस अगेन, ये तो बिल्कुल सिंपल था कि आपको कोई सिचुएशन नॉन फिजिबिलिटी की जो हमने डिस्कस की है वो आपने फेस नहीं की. फिजिबिलिटी कंडीशन, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आया ही नहीं. अगर नॉन फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता तो आप यू शुड गो फॉर द सेकंड स्टेप. आई होप कि आप ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली. इनफैक्ट ये भी कर दूं, इसको भी किया जा सकता है. आपका फर्स्ट रो का जो है मिनिमम जो है वो आ रहा है 2, सेकेंड रो का मिनिमम जो है P2 जो है वो आ रहा है वो भी 2 है, दैट इज ऑल्सो 2, थर्ड रो का मिनिमम भी 2 है, फोर्थ रो का भी मिनिमम 2 है. इट मीन्स के इसके नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन जो है आपकी अराइज होगी. P3 का भी 2 है, 1 2 3 4, P4 का भी 2 है, P4 का भी 2 है, P5 का जो है वो कितना मिनिमम वैल्यू है, दैट इज 6. तो आप जब इसके न्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 6 0 8 1, यहां पे P2 ही है 5, यहां पे 6 आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 5 आएगा. अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे भी 2 ही है मिनिमम, तो यहां पे 4 आएगा,
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। P4 का भी 2 ही है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। P5 का 6 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास 6 0 आएगा। सो ऑल द जीरोज आर कमिंग इन द सेम रो, सेम कॉलम में ही जो है वो आपके जीरोज आ रहे हैं। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन फिजिबल नहीं है। आप एक पर्सन को जॉब असाइन कर सकते हैं ऑल द जीरोज, लेकिन क्यू नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं। Q1 मिनिमम 1 आ रहा है, Q2 मिनिमम 2 आ रहा है, Q3 मिनिमम 0 आ रहा है, Q4 मिनिमम 1 आ रहा है, Q5 मिनिमम 1 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 हो जाएगा। मैं सिर्फ जीरोज वाली एंट्री लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 वाली एंट्रीज जो है ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि जीरोज वाली एंट्रीज जो है यही हमें इंटरेस्टेड होती हैं। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं असाइन कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा सोल्यूशन फिजिबल है कि नहीं। तो ये पूछा जा सकता है इस तरह के, एक आपको टेबल दिया गया हो और आपसे ये पूछा जाए कि आपका सोल्यूशन जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो फिजिबल है कि नहीं। अगर फिजिबल नहीं है तो जस्टिफाई करें अपना आंसर। तो अब जो है, अब मैं क्या करता हूँ, जॉब्स असाइन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरी फर्स्ट पर्सन कैन डू 3, 4, 5 फर्स्ट जॉब, थर्ड जॉब एंड फिफ्थ जॉब। तो मैं ज़रा इसको बाद में असाइन करूँगा कि बाकी सिर्फ इस तरह ना हो कि एक में ही ज़ीरो आ रहा हूँ। जैसे इसमें जो है सेकेंड रो में मेरा सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो आई कैन असाइन ओनली द थर्ड जॉब, सेकेंड पर्सन विल डू द थर्ड जॉब, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। नेक्स्ट थर्ड रो में मेरा, थर्ड रो में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो एक ज़ीरो मैंने असाइन कर दिया हुआ है। मेरे पास यही पॉसिबिलिटी है कि मैं थर्ड पर्सन विल डू द सेकेंड जॉब, क्योंकि ये ज़ीरो आ रहा है। फोर्थ रो में मेरे पास 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ज़ीरोज के कॉरस्पॉन्ड जॉब्स असाइन हो सकती हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ बचती है फोर्थ। सो फोर्थ पर्सन विल डू द फोर्थ जॉब एंड द फिफ्थ पर्सन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, वो जॉब मैंने असाइन कर चुकी हुई है, नो जॉब अवेलेबल। अब फर्स्ट पर्सन के लिए मैं देखता हूं कि फर्स्ट जॉब अभी रह रही है मेरी, फर्स्ट पर्सन विल डू द फर्स्ट जॉब। तो फिफ्थ पर्सन के लिए कोई जॉब नहीं आ रही, सो माय सोल्यूशन इज इनफिजिबल। जब इनफिजिबल सोल्यूशन आ जाए तो आपने कॉलम्स को क्रॉस आउट करना है। मैक्सिमम जीरोस एक ये क्रॉस में लगाऊंगा और मैक्सिमम जीरोस वाला रोज भी क्रॉस करनी है। ये मैं एक क्रॉस लगाऊंगा क्योंकि 2 जीरो जा रहे हैं, इस पे कोई जीरो नहीं बचा, जीरोस मैंने खत्म करने हैं। ये एक क्रॉस लगाऊंगा और ये एक क्रॉस लगाऊंगा। सो आई विल क्रॉस आउट दीज एंट्रीज। ये एंट्रीज क्रॉस करने के बाद मेरे पास जितनी नॉन एंट्रीज रहती हैं उनका मिनिमम मैं काउंट करके वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड आई विल अगेन सी दैट आई कैन असाइन द जॉब्स और नॉट। तो अल्टीमेटली एक ही इटरेशन करने से मेरा ख्याल है आपका आ जाएगा एंड यू विल कंप्लीट इट योरसेल्फ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसशिपमेंट मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट मॉडल में फ़र्क क्या है। ट्रांसशिपमेंट मॉडल जो है ये ज़्यादा जनरलाइज्ड है। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में आपके जो सोर्सेज थे या डेस्टिनेशंस थी सिर्फ कि आप ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम वन नोड विच वी कॉल द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन नोड जो था वहाँ पे डिमांड थी सिर्फ और यहाँ पे जो था सोर्सेज में सप्लाई थी। अब ट्रांसशिपमेंट मॉडल में, और ये फिजिकल भी है कि आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इट इज़ बेटर टू पास थ्रू एन इंटरमीडिएट नोड, जहाँ पे जो जिसको हम इंटरमीडिएट नोड कहते हैं और वो
सोर्स भी होता है हमारा और डिमांड भी होता है. फर्स्ट वी मूव फ्रॉम, लेट्स से अगर मैंने इस्लामाबाद से कराची जाना है तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी टू स्टॉप, अगर मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ टू स्टॉप एट लाहौर. ठीक है, लाहौर में इस्लामाबाद से लाहौर जाऊंगा, देन लाहौर से जो है कराची जाऊंगा. दैट विल मे बी मिनिमाइज माई कॉस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सोर्स और नॉड विच इज द सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन. ऐसे नोड्स को हम ट्रांसशिपमेंट नोड कहते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें प्योर सप्लाई नोड्स और प्योर डिमांड नोड ना हो, ऐसे नोड्स भी हों जिसमें आपके सप्लाई भी आ रही है और वो डिमांड भी काट रहे हैं और वो सप्लाई भी काट रहे हैं, ऐसे नोड्स को हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट नोड्स कहते हैं. ठीक है, और ऐसा जो प्रॉब्लम इज नोन एज द ट्रांसशिपमेंट मॉडल. लेट्स डिफाइन द ट्रांसशिपमेंट मॉडल. द ट्रांसशिपमेंट मॉडल रिकॉग्नाइजेस दैट इट मे बी चीपर टू शिप थ्रू इंटरमीडिएट और ट्रांजिएंट नोड्स बिफोर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन. दिस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल देन द रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वेयर डायरेक्ट शिपमेंट्स ओनली आर अलाउड बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इसको सॉल्व हम उसी तरह करेंगे कि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो हमारे जो नोड्स होंगे वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकेंगे. प्योर सप्लाई नोड्स जिनकी डिमांड कुछ नहीं, प्योर डिमांड नोड्स जिनकी सिर्फ डिमांड है, सप्लाई कोई नहीं वो कर रहे, एंड ट्रांसशिपमेंट नोड्स जो कि सप्लाई भी कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं. ठीक है, टू ऑटोमोबाइल प्लांट्स P1 एंड P2 आर लिंक्ड टू थ्री डीलर्स. दीज थ्री डीलर्स आर D1, D2 एंड D3 बाय वे ऑफ टू ट्रांजिट सेंटर्स. ट्रांजिट सेंटर्स से इनको मिलाया गया. दीज ट्रांजिट सेंटर्स आर T1 एंड T2 अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क शोन इन फिगर. इस नेटवर्क के, इसका मतलब है 1000 जो है वो आपका सप्लाई इधर है, ऑटोमोबाइल्स की सप्लाई इधर है, 1200 की सप्लाई इधर है, P1 एंड P2. ठीक है, अब P1 से सप्लाई जो है ये इंटरमीडिएट नोड T1 जो है, जो कि ट्रांसशिपमेंट नोड है, उस पे जा रही है, और कॉस्ट जो है वो $3 पर यूनिट आती है, और ये $100 में. सिमिलरली P1 से T2 पे, सोन एंड सो फोर्थ. सो सप्लाई इज देयर, डिमांड इज देयर T1 T2 पे, और ये सप्लाई भी कर रहे हैं आगे डिमांड नोड्स को, और आगे डिमांड नोड्स जो D1 D2 डीलर्स हैं वो भी आपस में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो D1 नोड है ये डिमांड भी कर रहा है और आगे D2 नोड को सप्लाई भी कर रहा है. सिमिलरली D2 जो नोड है, डेस्टिनेशन जो है, ये डिमांड भी इसकी है 900 कार्स की और ये आगे सप्लाई भी कर रहा है. ठीक है, ये जो D3 है, दिस इज प्योर डिमांड नोड. और ये जो है ये क्योंकि कहीं से सप्लाई नहीं आ रही, P1 P2 है, दीज आर द प्योर सप्लाई नोड्स, प्योर सप्लाई नोड्स और सोर्सेज. ये क्या है, हमारे सोर्सेज हैं, प्योर सप्लाई, प्योर सोर्सेज हैं P1 एंड P2. अब जो भी ट्रांसशिपमेंट नोड्स हैं ना, उनको हम सप्लाई नोड्स में भी लिखेंगे और डिमांड नोड्स में भी लिखेंगे, क्योंकि वो सप्लाई भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम. इन सच अ वे वी विल कंस्ट्रक्ट द ट्रांसपोर्टेशन टेबल. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है इस प्रॉब्लम के लिए, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक से सॉल्व करना है इसे, तो मेरे सप्लाई नोड्स कितने हो गए, P1 सप्लाई नोड है, P2 सप्लाई नोड है, T1, T2, D1, D2, ये मेरे 6 सप्लाई नोड्स हैं. और डिमांड नोड्स कितने आ गए, T1, T2, D1, D2 एंड D3. आई हैव 5 डिमांड नोड्स, 5 डिमांड नोड्स एंड 6 सप्लाई नोड्स. तो इस तरह मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा. अब प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आया कि मैं किस तरह सप्लाई और डिमांड
डिसाइड करूंगा किन की, ट्रांसशिपमेंट नोड्स की, ट्रांसशिपमेंट नोड्स जो हैं उनकी सप्लाई और डिमांड के लिए वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बफर. बफर इज सच अमाउंट विच इक्वल्स द टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, जो कि इक्वल होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, उसके इक्वल हम एक नंबर बफर कह देते हैं, बफर अमाउंट. और ये क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सी. द सप्लाई अमाउंट्स एट प्लांट्स P1, P2 आर 1000 एंड 1200 कार्स एंड द डिमांड अमाउंट्स एट डीलर्स D1, D2, D3 आर 800, 900 एंड 500 कार्स. द शिपमेंट कॉस्ट पर कार इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर बिटवीन पेयर्स ऑफ नोड्स आर शोन ऑन द कनेक्टेड लिंक्स आर्क्स. अब ये ट्रांसशिपमेंट नोड्स क्या है, ईच नोड ऑफ द नेटवर्क विद both input and output arcs acts as both a source and a destination and is referred to as a transshipment node. Pure supply node kya hai, a node which has only output arc is known as pure supply node. Pure demand node, a node which has only input arc is known as pure demand node. Theek hai, ye maine aapko pehle explain kar diya tha. The transshipment model can be converted into a regular transportation model with 6 sources and 5 destinations. The amount of supply and demand at different nodes are computed as. Ab ye amount of supply or demand jo hai wo kis tarah compute karni hai, yehi masla tha aur ye maine aapko bata diya. Buffer amount kya hai, ye bhi maine aapko bata diya ki total supply or demand which is 2200 cars for this particular problem. Supply at a pure supply node equals original supply. Demand at a pure demand node equals the original demand. Supply at a transshipment node equals original supply plus buffer amount, jisko hum B se denote kiya karenge buffer amount ko, aur ye equal large amount ke kar diye ki kitni bhi jitni bhi supply ya demand ho wo node jo hai transshipment node jo hai wo kar sake, पूरी कर सके सप्लाई और डिमांड जितनी भी हो. तो हाँ, यही एक वे था कि जितनी भी सप्लाई या डिमांड है टोटल, उसको हम बी के इक्वल रख लें. द बफर अमाउंट शुड बी सफिशेंटली लार्ज टू अलाउ ऑल ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई और डिमांड यूनिट्स टू पास थ्रू एनी ऑफ द ट्रांसशिपमेंट नोड्स. लेट बी बी द डिजायर्ड बफर अमाउंट, देन दिस इज दिस कुड बी अ लार्ज नंबर इक्वल टू द टोटल सप्लाई और डिमांड. अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबलू डिफाइन करना है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, तो वो हम कर लेते हैं. अब P1 सप्लाई से T1 तक ट्रांसशिपमेंट नोड तक 3 कॉस्ट थी, तो मैंने 3 यहां पे लिखा हुआ है. P1 से P4 तक 2, P1 से D1 कोई नहीं है डायरेक्ट, तो वो असाइन अ लार्ज नंबर M, यहां पे M जो है असाइन किया. इसी तरह जहां जहां पे नहीं है, P1 से D2 पे भी नहीं है डायरेक्ट, तो मैंने लार्ज नंबर M, M इज अ लार्ज पॉजिटिव नंबर. और ये इनफैक्ट वही आइडिया है जैसे M टेक्निक में हम M मेथड में या M टेक्निक ऑफ सिंप्लेक्स मेथड में हम अप्लाई करते थे. ठीक है, लार्ज नंबर असाइन, पॉजिटिव नंबर असाइन कर देते थे और एट द एंड सिंप्लेक्स टेबलू से वो वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस किया था बाय असाइनिंग अ लार्ज नंबर, वो किक आउट हो जाता था. ठीक है, तो इसी तरह हम जो है इसको किया करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी. तो एम लार्ज नंबर हम असाइन करते जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास जो एज जो है या फिर आर्क जो है वो नहीं है बिटवीन सप्लाई नॉट, और जो इन्फॉर्मेशन हमें इस टेबल में दी गई है वो नहीं है. फॉर एग्जांपल P2 टू T1 ये है हमारा, P2 टू T1 2 कॉस्ट 2 है, P2 टू T2 भी है बट P2 टू D3 नहीं है, D1 नहीं है, D2 नहीं है, तो इन सब के कोरस्पॉन्ड मैंने लार्ज नंबर M जो है वो असाइन कर दिया. अब T1 से T1 पे 0 सही बात है, T1 से D1 पे 7, T1 से T2 पे 7 है,
T1 से D1 पे 8 है, तो मैं 8 डाल दिया है। T1 से D3 कोई नहीं है डायरेक्ट आर्क, सो आई एसोसिएट अ लार्ज नंबर। इसी तरह मैंने टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। अब टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड, T1 मेरा ट्रांसशिपमेंट मोड है, तो आई असाइन अ बफर वैल्यू बी, विच इज द लार्ज वैल्यू। इनफैक्ट इक्वल्स बफर हमने डिसाइड किया कि टोटल सप्लाई और डिमांड, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें पता है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल होती है। फिर T2 की भी डिमांड कितनी है, बफर अमाउंट। D1 जो के ट्रांसशिपमेंट नोड है, इसकी बफर अमाउंट प्लस 800 इसकी ओरिजिनल डिमांड थी, 800 प्लस बफर अमाउंट। D2 जो के ट्रांसशिपमेंट मोड है, इसकी 900 प्लस बी बफर अमाउंट। D3 विच इज द प्योर डिमांड नोड, इसकी 500 ही। सिमिलरली हमने टेबल कंप्लीट किया हुआ है कि आपका P1 में प्योर सप्लाई 1000, प्योर सप्लाई नोड है तो जितनी सप्लाई है वो ही, प्योर डिमांड नोड है तो जितनी डिमांड है वो ही, जैसे D3 के केस में। ट्रांसशिपमेंट नोड है तो सप्लाई प्लस बफर। अब T1 T2 के लिए डिमांड थी कि नहीं, इसीलिए हमने वहां पे बी बी सिर्फ लिखा है। अब P1 की टोटल सप्लाई 1000, P2 की 1200, T1 की बफर 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 सब की, क्योंकि इनकी टोटल सप्लाई तो थी ही नहीं, तो बफर बफर के इक्वल। अब हमने स्टार्टिंग, दिस इज नाउ इन इन स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ वी कैन अप्लाई द टेक्निक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम। स्टेप वन क्या है, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब वो ऑब्टेन आप कर लें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, लेट्स से के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आप अप्लाई करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आप शुरू करते हैं, मैक्सिमम एलोकेशन करते हैं 1000, तो यहां पे कितनी आ जाएगी, बी माइनस 1000 डिमांड, बफर था, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, आपका डिमांड पूरी हो चुकी है, नहीं वो तो बफर अमाउंट थी, तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन सप्लाई तो है ही नहीं, फिर आप जीरो सप्लाई हो चुकी है यहां पे। फिर आप नीचे आएंगे, यहां पे 1200, बी माइनस 1200, ये डिमांड पूरी हो चुकी, ठीक है, क्योंकि बी इक्वल्स क्या था, 2200 था। जब इससे 1000 और माइनस 1200 कहूंगा तो ये मुझे क्रॉस आउट करना पड़ेगा सारे कॉलम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रिकॉल करवा। देन आई मूव टू दिस वन, अब इस पे मैं मूव कर सकता हूं, नहीं भाई, क्योंकि यहां पे भी सप्लाई जो है वो जीरो हो चुकी है, तो आई मूव हियर, तो बफर अमाउंट बी बी है, तो आई कैन असाइन बी हियर, दिस विल गो। आई मूव नेक्स्ट, यहां पे माइनस भी हो चुका है, ये भी मेरे आर्बिट्रेरली क्रॉस आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आई मूव हियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू विल हैव द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जब बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आ जाएगा तो यू विल कैलकुलेट, यू विल डू ऑल द स्टेप्स व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप कंप्लीट करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ही कंप्लीट कर पाता हूँ, क्योंकि ये ओआर में प्रॉब्लम्स जो हैं ये काफ़ी लेंथी होते हैं, मैं आप बस आपको स्टार्ट करवा देता हूँ, देन यू हैव टू फिनिश इट योरसेल्फ। हम अपने लेक्चर के एंड पे ही हैं, और एंड पे मैंने नेटवर्क मॉडल्स जो के नया हमारा टॉपिक है उसकी स्लाइड्स मैंने रखी हुई हैं कुछ, एक ही स्लाइड है, नेटवर्क मॉडल्स ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मॉडल्स जो हैं ये आज के लेक्चर में हमने ख़त्म कर लिए हैं। नेटवर्क मॉडल्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, और जो मैंने स्लाइड में डिस्क्राइब की गई हुई हैं कुछ एप्लीकेशंस जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं इंशाल्लाह ये डिटेल डिस्कस करूँगा। अभी फॉर्मली आपको बता देता हूँ कि चार डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो नेटवर्क सप्लाई में हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिज़ाइन ऑफ एन ऑफ शोर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क कनेक्टिंग द वेल हेड्स
in the Gulf of Mexico to an inshore delivery point. The objective of the model is to minimize the cost of constructing the pipelines. कि आपके ऑयल फैक्ट्रीज हैं सी में कहीं पे या फिर डेजर्ट में, वहाँ से आपने ऑयल जो है पाइपलाइंस के जरिए जो है डिलीवर करना है और मिनिमाइज कॉस्ट करनी है आपने. दैट इज़ डिफरेंट नोड्स हैं. नेटवर्क प्रॉब्लम यही होते हैं कि आपके पास डिफरेंट नोड्स होते हैं और उनके दरमियान आर्क्स होती हैं, जिसको हम ग्राफ भी कहते हैं. ठीक है, तो आपने दिस प्रॉब्लम द फर्स्ट सिचुएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द मिनिमल स्पैनिंग ट्री. ये क्या है मिनिमल स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करूँगा. डिटर्मिनेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू सिटीज इन एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ रोड्स. ये तो हमारा बड़ा फिजिकल, हर कोई चाहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाए, शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करे. इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम प्रॉब्लम. और इसको डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो स्टडी करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है इंश्योर करते हैं बिटवीन टू डेस्टिनेशंस विद गिवन कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन टू सिटीज और टू डेस्टिनेशंस. एयर भी हो सकती है, रोड्स भी हो सकते हैं, एयर ट्रैफिक भी हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी इन टन्स पर ईयर ऑफ अ कोल स्लरी. स्लरी कहते हैं ये जब ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से या फिर सी बेड से, तो वो इस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. उसमें अननेसेसरी मटीरियल्स जो हैं वो मिक्स हुए होते हैं, उस मिक्सचर को स्लरी कहते हैं. पाइपलाइन, अब जो जिन पाइपलाइन से वो जो रॉ मटेरियल जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं डेजर्ट से या सी बेड से, उसको पाइपलाइंस के ज़रिए रिफाइनरीज में बेचते हैं. रिफाइनरीज आर द फैक्ट्रीज वेयर वी एक्सट्रैक्ट द अननेसेसरी मिक्सचर और अननेसेसरी मटेरियल फ्रॉम द ऑयल. ठीक है, तो थर्ड सिचुएशन ये है कि आपने पाइपलाइंस को किस तरह मॉडल करना है जो कि मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिदम के कॉरस्पॉन्ड है, कि मैक्सिमम जो है वो आपका जो है जो आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम पाइप से पास कर सके. डिटर्मिनेशन फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम स्केड्यूल स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट और कंप्लीशन टार्ट डेट्स जो हैं वो बताना पहले से. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिटिकल पाथ एल्गोरिदम के हेडिंग के अंडर वी विल स्टडी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर का भी मैंने आपको एक स्लाइड जो है इंट्रोडक्टरी दे दी है कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू द न्यू टॉपिक विच इज़ द नेटवर्क प्रॉब्लम्स. नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और चार तरह के डिफरेंट नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कस करेंगे और ग्राफ थ्योरी की टर्मिनोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी एक्सरसाइजेज में से कुछ क्वेश्चन जो हैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इफ़ यू हैव एनी problem you can ask by writing an email or using your discussion board. Till the next lecture, take very good care of yourself and your parents and your dear ones. Allah Hafiz.